खबर गुरुग्राम से, जहां दिल दहला देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुग्राम में युवक के साथ मारपीट कर उसका अपहरण किया गया है। सीसीटीवी में मारपीट की पूरी वारदात कैद हुई है। कपड़े खरीदने गए युवक का अपहरण हुआ है। गुरुग्राम के बसई रोड की वारदात बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो गुरुग्राम से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है गुरुग्राम के बसई रोड की वारदात, आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक के साथ मारपिटाई कर उसका अपहरण किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, किस तरह से बेरहमी से युवक को पीटा जा रहा है। ये गुरुग्राम के बसई रोड का वीडियो है, जो कि इस वक्त युवक की पिटाई की जा रही है। आप देखिए, दो से तीन लोग मिलकर युवक की पिटाई कर रहे हैं। वजह क्या थी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक की जमकर पिटाई की जा रही है, उसका अपहरण किया गया है। युवक कपड़े की दुकान पर गया था और वहां पर मारपीट की जा रही है। वजह क्या थी इसकी स्पष्टता नहीं है, और इस वीडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज़ हरियाणा हालांकि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो है, जिसमें एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। तीन से चार लोग मिलकर युवक की पिटाई कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। आता मैं कपड़े लेके बाहर निकला ना, कपड़े लेके बाहर निकला तो जैसे मैं खड़ा था, वो 15-20 छोरे आए, तो आते वो लाठी डंडों से मारा उन्हें, लड़ाई लेने मारने के बाद उन्हें गाड़ी में लेके ले जाने के बाद वहाँ ले गए रिलायंस में, जंगल में। जंगल में जाने के बाद वहाँ भी मारा उन्हें, फिर उसके बाद मेरे को वहीं छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद ना बता दी, उसके बाद वो सुनी था हॉस्पिटल कैसे आया कैसे नहीं आया, किस किस से डंडे राड थी बस। तो एक तो सुरजीत था, एक चौबे था, एक सागर था, और दो तीन औरों के नाम नहीं पता। मेरे पास फोन आया था इसके दोस्त का, कह रहे हैं कि आपके लड़के को ले। मैंने सुना जो पीड़ित युवक है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई, कौन कौन से ये लोग हैं जो बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभी भी हॉस्पिटल में ही है युवक, जिसने अपना स्टेटमेंट दिया है और उन दरिंदों का नाम बताया है जो इतनी बेरहमी से पिटाई करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी, लेकिन आपको बता दें, युवक की जो पिटाई हुई है उसका ये जो वीडियो है गुरुग्राम से सामने आया है। तो युवक के साथ मारपीट की गई, अपहरण किया गया, और एक दो नहीं बल्कि चार से पांच लोग लगातार युवक को पीटते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे गुलशन ग्रोवर हमारे साथ, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गुलशन, जरा बताएं इस पूरे मामले को, जो दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, ये विवाद कैसे शुरू हुआ, युवक की पिटाई क्यों की गई है, और अभी पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन मामला शिवाजी नगर थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला गुड़गांव के बसई रोड की घटना है, जहां पर एक युवक कपड़े खरीदने के लिए गया था और उस दौरान चार पांच युवक उस युवक को पहले अपहरण कर ले जाते हैं, गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं, और उसके बाद उसे जंगलों में जाकर हीरो होंडा चौक पास जो है वहां उसके साथ मारपीट करते हैं, और वहीं पर ही पीड़ित को फेंक कर जो बदमाश है, चार से पांच जो युवक है वो फरार हो जाते हैं। हालांकि ये मारपीट क्यों की गई है पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस उस युवक से पूछताछ हो रही है, जो जिस पीड़ित के साथ ये मारपीट हुई है, कि आखिरकार इससे पहले क्या कोई बात चल रहा था, क्या कोई रंजिश थी पहले, इसको लेकर के भी, और साथ में ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
सीसीटीवी कैमरे में इस तरह से 4 से 5 युवक एक युवक को अपहरण करते जाते हैं, फिर उसे जंगलों में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट के बाद उसी जंगल में छोड़कर जो है वो फरार हो जाते हैं। अब हालांकि युवक द्वारा जिन युवकों द्वारा उसे अपहरण किया गया था उसके बारे में भी पुलिस को युवक द्वारा डिटेल दी गई है। अब ऐसे में गांव पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पूरी जो घटना है ये 16 अगस्त की घटना है जब एक युवक एक गारमेंट शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए पहुंचता है और तभी अचानक 4 से 5 युवक उसको गाड़ी में लेकर अपहरण करते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं। गुलशन, पीड़ित युवक के द्वारा उन सभी युवकों के नाम का जिक्र जो है स्टेटमेंट में दिया गया है जिन युवकों ने इतनी दरिंदगी से पिटाई की है, अभी युवक जो पीड़ित युवक है उसके तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कुछ बातचीत हो पा रही आगे पुलिस प्रशासन से या फिर पीड़ित युवक के परिजन से कि वजह क्या रही है? चूंकि जिस तरह से पिटाई की गई है इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पुरानी रंजिश का मामला भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो फिलहाल प्रथम दृष्टि मामला ये लग रहा है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है ये पुरानी रंजिश के चलते ही इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पहले से ही ये जो 4 से 5 युवक जो है वो पहले से ही ताक लगाए बैठे थे कि जो युवक कपड़े खरीदने के लिए जो गया था उसे किस तरह से यहाँ से बैठा कर ले जाना है और उसके बाद उसको उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना है। तो जरूर युवक द्वारा पुलिस को तमाम ये सूचना जो है वो दे दी गई है और पुलिस अब इन सभी 4 से 5 युवक जो है बदमाश हैं और इनकी अब तफ्तीश कर रही है और इनकी जल्द ही गिरफ्तारी होने की जो बात है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गुलशन, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें चंडीगढ़ से बड़ी खबर है।